मेरे बच्चे दशक चल रहा है 1980, हम इकोनॉमीज में हैं मलेशिया की और सिंगापुर की, रिसेशन आ चुका है वहां पर। रिसेशन इतना भयंकर, जीडीपी तो गिर ही रही है, शेयर प्राइसेस का बुरा हाल, और जीडीपी ऐसी गिर रही है मेरे बच्चे, पहले तो नॉर्मल गति से गिर रही थी, उसके बाद एकदम से नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला, -1%, 4%, 4.5%। वहां के शेयर प्राइसेस की इतनी बुरी हालत मेरे बच्चे, सरकारें सुन, वहां के लोग सुन कि भाई हम करें तो करें क्या, हमारे साथ हुआ क्या। हालांकि इसके कुछ अलग अलग फैक्टर्स रहे होंगे, कुछ इंटरनल थे कुछ एक्सटर्नल थे, लेकिन दंग तो थे, कुछ ना कुछ तो हुआ है। और एकदम से मेरे बच्चे कुछ उम्मीद की किरण जागती है, गिरती हुई इकोनॉमी में हल्का सा रिवाइवल दिखता है, और वहां की सरकारें अपने सर पे खुशी मनाए कि देखो हमने कमाल कर दिया, गिरती हुई इकोनॉमी में हल्का सा उछाल कर दिया। और जैसे ही हुआ हल्का सा उछाल, वहां के पत्रकार कहते हैं, अजी सुनो ये जो हल्का सा उछाल दिखता है ना तुम्हें, ये तो डेड कैट बाउंस है, अभी हल्के से उछाल के बाद इकोनॉमी और जाएगी नीचे। इसका मतलब क्या है सर? मेरे बच्चे उन्होंने कहा, उन पत्रकारों ने कहा, इवन अ डेड कैट विल बाउंस इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। मेरे बच्चे इवन अ निम्बू विल बाउंस इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। तो यहां से हमें क्या सीख मिलती है, एक्चुअली फाइनेंस का, वॉल स्ट्रीट का एक बेहद इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, दैट इज डेड कैट बाउंस। इसका मतलब क्या है, किसी भी शेयर के प्राइसेस में या किसी भी कंट्री के स्टॉक मार्केट में अगर लगातार गिरावट के बाद हल्की सी बढ़ोतरी दिखती है और फिर डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है, इसे हम कहते हैं, इस हल्की सी बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं बच्चे, डेड कैट बाउंस। तो उम्मीद है आपको आज का टर्म पसंद आया होगा, और इस तरह की नई टर्म सीखने के लिए मेरे बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।